रनिंग से जुड़ा बेहद जरूरी सवाल, दौड़ने से पहले क्या खाएं और कितना खाएं? अच्छी दौड़ के लिए आवश्यक है कि दौड़ के समय हमारे भीतर पर्याप्त ऊर्जा मौजूद हो। दौड़ से पहले पौष्टिक भोजन हमारे लिए बेहद जरूरी है, इसलिए भूखे पेट ना दौड़े। दौड़ से पहले कुछ खा लेना बहुत जरूरी है। सुबह या शाम को जब भी आप दौड़े तो भूखे पेट ना दौड़े। भूखे पेट आप लंबी दूरी तक नहीं दौड़ पाएंगे और जल्दी थक कर आपको रुकना पड़ सकता है या फिर आपको अन्य शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए दौड़ने से पहले कुछ खा जरूर लेवे। अब बड़ा सवाल यह है कि दौड़ने से पहले क्या खाए और कितना खाए। दौड़ना शुरू करने से आधा घंटा पहले आप प्रोटीन युक्त भोजन लेवे और साथ में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स भी लेवे। आप अपने रनिंग डाइट में 70 और 30 ग्राम का संतुलन रख सकते हैं, यानी आप दौड़ने से पहले 70 ग्राम प्रोटीन के साथ 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेवे। यह बैलेंस डाइट आपको लंबी दूरी तक दौड़ाएगी। ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने का फायदा यह होता है कि प्रोटीन हमें लंबे समय तक ऊर्जा देते रहते हैं, जिससे हम जल्दी थकते नहीं, और कार्बोहाइड्रेट्स वो पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को तुरंत ही ऊर्जा देते हैं। तो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, इन दोनों का मिश्रण हमारे शरीर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करके हमें लंबी दूरी तक बिना थके दौड़ने में मदद करता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप दूध, दही, अनाज, दालें और खास तौर पर सोयाबीन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि दौड़ने से पहले कितना खाएं। तो फ्रेंड्स, दौड़ से 30 मिनट पहले नाश्ते के रूप में ही खाएं, भरपेट ना खाएं। नाश्ते के रूप में खाया हुआ 30 मिनट में आसानी से पच जाता है और शरीर को एनर्जी सप्लाई करने लगता है, जिससे हमारी दौड़ बेहद अच्छी और बहुत तेज हो जाती है। दौड़ से पहले भरपेट खाने से बचे। ज्यादा खाया हुआ जल्दी पच नहीं पाता, नतीजा हमारी दौड़ धीमी रह जाती है। तो फ्रेंड्स, तेज दौड़ के लिए कम खाएं, संतुलित और पौष्टिक भोजन कम से कम 30 मिनट पहले खाएं, ताकि दौड़ते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ ओके फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।